नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं डीजे लाइट ट्रिक्स। दोस्तों आज का वीडियो हम आप लोग के लिए कुछ स्पेशल है। ये देखिए हमने यहां पर पायलट 2000 लगा रखा है दोस्तों, V3 मॉडल में। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो में हम आप लोग को पायलट का फाइल बनाने के सिखाने वाले हैं पूरा A to Z। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना पायलट को ऑन करते हैं। ये रहा पायलट 2000 V3 और इसमें आज हम पारलाइट का फाइल बनाने के लिए सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए सेलेक्ट मेमोरी आ रहा है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना है, सीधे ही हमें सेटअप पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है यूनिट पैच, तो इसे अप करके और ले जाना है इंटरनल लाइब्रेरी, ओके दबाना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू यूनिट, ओके दबाना है। यहाँ पर आ रहा हमारे सोर्स ले आते दोस्तों, देखिए टोटल DMX चैनल। तो दोस्तों अगर आप कोई भी पारलाइट का अगर आप फाइल बना रहे हैं पायलट 2000 पे, तो सबसे पहले हमारे पास पारलाइट का एक मैनुअल बुक जो आती है ये होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर पारलाइट 7 चैनल की आती है और कुछ कुछ पारलाइट 16 चैनल की आती है। तो हमारे पास ये देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है DMX 512 7 चैनल इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर हमारा ये जो पारलाइट है ये 7 चैनल का है। यह भी हम बायसन कंपनी के पारलाइट यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों पारलाइट 7 चैनल और 16 चैनल में आती है, तो फिलहाल हम 7 चैनल का फाइल बनाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं बायसन कंपनी का पारलाइट यूज करने वाला हूँ, और आप अगर यहाँ पर इस फाइल की मदद से बिग डीपर LPC 007 को चला सकते हैं, तो दोस्तों इन सारे कंपनियों का फाइल आपको मैच कर जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टोटल DMX चैनल बोल रहा है। यहाँ पर देखिए टोटल DMX चैनल हमारा है 7, तो यहाँ पर दबाएंगे ओके और यहाँ पर दबाना है 7, तो ये देखिए 7 लिख दिए हैं और इसको दबाएंगे ओके। उसके बाद आना है एक ऊपर करना है दोस्तों LED इफेक्ट लेबल, इसे करेंगे ओके। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे पेज बनाना है, तो आपका कितना पेज लगेगा इसका फाइल बनाने में। तो ये देखिए हमारा 7 चैनल है, तो और हमारे पास यहाँ पर 6 ही चैनल है, तो हमें 2 पेज यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसे 2 करेंगे, ये देखिए 2 पेज, इसे करेंगे ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है इंटर द स्टेरिंग फॉर इफेक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको मैनुअल बुक के यहाँ पर रखना है और यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर टाइप करते हुए जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 6 चैनल जो है जिसका नाम लिखना है, कौन से चैनल पे क्या काम करेगा वो सारा यहाँ पे लिखना है। तो देखिए फर्स्ट चैनल पे डिमर काम करेगा, सेकंड पे रेड, थर्ड पे ग्रीन, फोर्थ पे ब्लू, फाइव पे स्ट्रोबर जो फ्लिंकर आती है, और 6 पे ऑटो फंक्शन, और 7 पे ऑटो फंक्शन वाला स्पीड। तो चलिए यहाँ पर मैं सारा नाम लिख के दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए यहाँ पर अप डाउन और लेफ्ट राइट से आप लोग का नंबर आएगा। तो सर पहले यहाँ पर दोस्तों लिखना है डिमर, तो यहाँ पर लिखिए डी, ये देखिए एरो वाला दबाएंगे तो एक आगे बढ़ जाएगा, आई एम डिम लिख दिए। डिमर को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों डिम, क्योंकि हमें पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या लिख रहे हैं वो। आप अगर पूरा डिमर भी लिखना चाहते हैं तो इतना बड़ा लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पर मैं केवल डिम लिख रहा हूँ। फिर स्पेस दबाएंगे, 2 खाली कर दिए हैं। फिर तीसरे पे लिखना दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए दूसरा नंबर स्लाइडर पे रेड,
दोस्तों यहाँ पर आपका 6 चैनल कंप्लीट हो चुका है और 7वां चैनल में लिखना है फंक्शन स्पीड यानी ऑटो स्पीड, उस पर लिखना है। तो एक बार दबाएंगे ओके वाला बटन को और यहाँ पर लिखना है ऑटो स्पीड, ये लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ऑटो स्पीड भी लिख दिया है, इसके बाद हमें स्पेस दे देना है और बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे खाली भी कर सकते हैं और चाहें तो नहीं भी खाली कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर भी 6 चैनल इसे बांट दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ बीच में बांट देते हैं। चलिए यहाँ पर 6 चैनल हम इसे भी बांट दिए हैं और अब इसको दोस्तों हमें बैक करना है एक बार और एक दो बार, बस इतना ही दूर तक हमें बैक करना है। यहाँ पर जैसे कि हमारा नंबर आ गया LCD 2, अब यहाँ पर एक बार और बैक करेंगे, एक बार यहाँ पर LCD इफेक्ट लेवल, इसके बाद फिर से आप वाला बटन को दबाएंगे इंटरनल पैच ओके करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे डिमर किस नंबर में काम करना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन मांग रहा है। तो यहाँ पर देखिए डिमर हमारा चैनल नंबर 1 में काम करेगा, रेड 2 में काम करेगा, ग्रीन 3 में, और यहाँ पर ब्लू जो कि 4th नंबर पे काम करेगा, स्ट्रोब 5वें नंबर पे, और हमारा जो ऑटो फंक्शन है जिसमें कि कलर ऑटोमेटिक से चेंज होता है वो 6 नंबर पे काम करेगा। चलिए हो गया। इसके बाद दोस्तों एक बार ओके को दबाना है और 7वें नंबर पे जो ऑटो स्पीड था इसे करना है 7 नंबर, ये देखिए 7 नंबर आ गया, पर ऊपर उठा दिए। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग को एक बार बैक करना है, वापस से फिर बैक करना है, उसके बाद ये इंटरनल पैच कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद दबाएंगे अप, स्टैंड बाय वैल्यू करेंगे ओके। तो दोस्तों यहाँ पर सभी को 0 कर देंगे ओके 0, फिर से बैक करेंगे और एक बार स्टैंड बाय वैल्यू के बाद फिर करेंगे इफेक्ट टाइप ओके करेंगे। यहाँ पर केवल दोस्तों डिम को डिम करना है, बाकी को कुछ नहीं करना है। फिर से बैक करेंगे और इसके बाद फिर करेंगे मिरर एंड हेड पैच, दोस्तों ये सब शार्पी में काम आता है, पारलाइट में सब कोई काम नहीं है। हार्ड एंड सॉफ्ट, तो हार्ड एंड सॉफ्ट भी आपका डिमर को केवल सॉफ्ट करेंगे, फिर से बैक करेंगे। उसके बाद यूनिट नेम, दोस्तों आपका जो इतना काम किए हैं ये आपका फाइल का नाम क्या रहेगा, तो दोस्तों इसे करने के बाद ओके और अपना फाइल का यहाँ पे नाम लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना लिख देता हूँ LED पार, ये देखिए LED, फिर से डाउन करेंगे और इसके बाद एक स्पेस दे दोस्तों, इधर कर देंगे पार, LED पार, PAR। दोस्तों यहाँ पर LED पार लिखने के बाद सबको स्पेस 0 कर देंगे, इधर कुछ नहीं रहेगा। तो दोस्तों इस फाइल का नाम हम सेव कर दिए हैं LED पार, इसको करेंगे ओके और इधर और कुछ पार लाइट में कुछ काम आने वाला चीज़ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर सीधे कर देंगे हम एक बार सेटअप, सेटअप दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट मेमोरी आ गया। अगर दोस्तों यहाँ सेटअप दबाने के बाद एरर या किसी प्रकार का कन्फ्यूजेशन वगैरह आता है तो समझिए आप लोग का फाइल क्रिएट नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को पेज फाइल करके दिखाता हूँ और एक बार मैं अपने पारलाइट को यहाँ पर जला करके और आप लोग को टेस्टिंग भी करवा देता हूँ। तो चलिए सर पहले बार सेटअप को दबाएंगे, उसके बाद यूनिट पैच में आएंगे, इसे करेंगे ओके,
दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमारा फर्स्ट नंबर पे आदित्य एसआरपी सेट था, तो अब यहाँ पे इसे हटाएंगे और यहाँ पर कर देंगे एलईडी पार, जो अभी हम ऐड किए हैं दोस्तों, ये रहा एलईडी पार। ये तो पहले से आता है आपका पायलट में भी होगा ये, और इसके बाद दूसरे नंबर पे ये भी शायद आपके पायलट में होगा ऑटोमेटिकली, ये सब रहता है दोस्तों ऐड एलईडी पार जो कि अभी ऐड किए हैं, और ये एसआरपी आदित्य एसआरपी जो कि हमारा एसआरपी के लिए है। दोस्तों अगर एसआरपी वाला फाइल आप लोग को बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप एसआरपी का फाइल कैसे बनाया जाता है वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसे करते हैं एलईडी पार, और इसका नंबर मैं आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, नंबर रख दें 001। चलिए इसके बाद फिर करते हैं दो नंबर, फिर से एलईडी पार, और इसे कर देते हैं दोस्तों 7। दोस्तों आप लोग कोडिंग ध्यान देते जाइएगा क्या हम कोड रखे हैं। यहाँ पर हमारा छठे पार पे 31 नंबर ऐड है दोस्तों, फिर से करेंगे सातवां नंबर एलईडी पार 37, आठवां नंबर एलईडी पार, और इसमें कोडिंग डाल देते हैं 43। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने 8 पार लाइट लगा के रखा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और आठों पार का हमने यहाँ पर पेज फाइल बना चुके हैं। और अब इसके बाद दबाना है दोस्तों सेटअप, तो सेटअप दबाने के बाद वार्निंग ओवरलैप ऑन डीएमएक्स चैनल 007 आ गया है, और यानी दोस्तों यहाँ पर ये ओवरलैप वार्निंग दे रहा है। दोस्तों ओवरलैप को कैसे हटाया जाता है इसका फुल डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दे देंगे, जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए इसे दबाते हैं फिलहाल ओके, और अब इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को सारा पार्लाइट में एक बार कोडिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने इस पर डाल रखा है 001, सेकेंड वाले पे 07, थर्ड वाले पे 13, चौथे वाले पे 19। दोस्तों यहाँ पर जो कि हम पायलट में डाले थे सारा वही कोडिंग इसमें हम डाल रखे हैं पहले से, 25, 31, 37 और ये लास्ट 43। तो दोस्तों यहाँ पर हम आठों पायलट में कोडिंग डाल रखे हैं, और अब पेज फाइल भी हम यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमें टेस्टिंग करना है, तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को पायलट इसमें टेस्टिंग करवा देता हूँ। एक बार सर पहले पायलट को ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं, और दोस्तों हमारा यहाँ पर ग्रैंड मास्टर जो कि पूरा ऊपर तक उठा हुआ है इसे ऊपर ही छोड़ देना है, और ये देखिए हमने यहाँ पर लगा रखा है 8 पायलट, और सभी पे हमने कोडिंग डाल रखा है दोस्तों, जो कि जो कोडिंग मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया पैच करते टाइम वही कोडिंग मैं पायलट पर लगा के रखा हूँ। चलिए यहाँ पर करते हैं एक बार फिक्चर को ऑन, क्योंकि हमें इसे फिक्चर में चला चेक करना है। तो इसे करेंगे एक नंबर को दबाएंगे और साथ में 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर दोस्तों हमारा 8, यहाँ पर दोस्तों हमारा 8 बटन ऑन है, और यहाँ पर सबसे पहले दबाएंगे डिमर और ये रहा रेड। ये देखिए सारा पायलट में रेड कलर आ चुका है, रेड को डाउन करेंगे तो ये रहा ग्रीन, ग्रीन सारा पार्लेट में ग्रीन आ चुका है, और उसके बाद ब्लू, तो ये ब्लू कलर भी आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर तीनों को उठा देने पर ये बन जाता है वाइट, ये देखिए वाइट कलर भी आ चुका है। और इसके बाद दोस्तों अगर 6 नंबर में आया तो हमारा अस्ट्रोबर है, तो इसे ऑन करेंगे तो ये देखिए अस्ट्रोब भी कर रहा है, ये देखिए यानी कि हमारा पार्लेट यहाँ पर परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद मैं आप लोग को और भी एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो कि था ऑटो, तो ऑटो था 7 नंबर पे, तो इसे एक बार ऑन करेंगे ये देखिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। तो ऑटो वाला स्पीड को अगर एडजस्ट करना है दोस्तों, तो ऑटो का स्पीड को एडजस्ट करने के लिए एक बार ओके को दबाएंगे, 7 नंबर आ गया तो यहाँ पर हम स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए स्पीड में चेंज होने लगा है कलर, यहाँ पर हम स्पीड को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इसे डाउन करते हैं, और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो में आप लोग को पायलट की पैचिंग और इसका फाइल कैसे बनाया जाता है पायलट 2000 पे पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डीजे वाले दोस्तों के साथ, और चैनल से कंटिन्यू जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं फिर मिलता है सर कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।